हेलो बच्चों बच्चों, ये क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 5 मार्च को आपका एग्जामिनेशन है और कई लोगों का कई कमेंट आ रहा था कि वो डिफरेंट उनके डाउट्स थे कि एक दिन में कैसे रिवीजन किया जाए फिजिक्स का, और साथ में जो चीज़ें रिवाइज की गई हैं या साल भर आपने पढ़ी हैं उसको आंसर शीट में कैसे आप रिप्रोड्यूस करें, क्योंकि ये सारी बातें तो एग्जामिनर के सामने आएंगी तभी वो आपको मार्क्स दे पाएगा। और कुछ बच्चों का ये कहना है जो साल भर मस्ती करते रहे कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब क्या करें सर, पढ़ा कुछ नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इस वीडियो में है। मुझे नहीं मालूम कि ये वीडियो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन ये पक्का है कि इससे आपका फ़ायदा होने ही वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाएं कि आखिर क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहले मैं बात करूँगा कि एक दिन में आप रिविजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी बात रिवीजन से पहले आपको दिमाग में रखनी है, आप पढ़ भी रहे होंगे, इस समय जो गैप मिला उसमें आप स्टडीज तो कर ही रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले आत्मविश्वास रखना है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। अगर आप हड़बड़ाहट रखेंगे या अपने दोस्तों पे फोन पे बात करेंगे कि कितना तुम्हारा हो गया, तो आपका अगला दोस्त आपको कैसी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रू या फॉल्स, ये वही जाने। हो सकता है उसके 8 चैप्टर हुए हैं, आपके फोन की बात कहते हैं पूरी किताब खत्म हो गई और आपके हाथ पांव फूलने शुरू हो जाएं। तो आप थोड़ा डिस्कनेक्ट रहें, अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, वही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो चलिए पहली चीजें देखते हैं कि हमारा जो CBSE की तरफ से गाइडलाइन या सिलेबस रहा है उसमें मार्किंग स्कीम कैसी रही है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप लोग जानते हैं शुरू से, थोड़ा आपको बस सेंसिटाइज करने वाला इशू है कि ये देखिए, ये जो शुरू के 3 चैप्टर हैं जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं, ये 15 मार्क्स का है, और इसी तरीके से बाकी चैप्टर से मैग्नेटिक इफेक्ट वाला 16 का है, बाकी 17 है, और ऐसे करके टोटल 70 नंबर का पेपर आने वाला है। अब मैं जो बात करूँगा रिविजन के लिए कि क्या मॉड्यूल आप तय करें अपने लिए और उस मॉड्यूल से कैसे आप बेनिफिट अपना ले सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये कहना होगा कि आप शुरू में, आप अपने दिन की जब शुरुआत करें तो जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके 3 तक, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस आप करंट इलेक्ट्रिसिटीज के नाम से जान सकते हैं, जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहा था कितने नंबर का, 16-17 नंबर का कंट्रीब्यूशन जिसका आ रहा है, ये देखिए 15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन जिसका आ रहा है, उसको आप करिए। 3 चैप्टर को मॉर्निंग में 6 बजे स्टार्ट कीजिए और 2.5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, 8:30 बजे तक आप इसको रिवीजन के मोड में ख़त्म कर दीजिए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, और ये किसी बच्चे के लिए सूटेबल भी हो सकता है और किसी के लिए सूटेबिलिटी कम भी हो सकती है। हो सकता है कोई 2 ही घंटे में कर ले, हो सकता है कोई किसी को करने में 3 घंटे लग जाएं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कर पा रहे हैं। 6 से 8:30 तक इसको फिनिश करें आप, फिर 8:30 से लेके आप 1 घंटे का ब्रेक ले लें, जिसमें आप इसको AM लिखना चाहिए, 8:30 से लेके 9:30 तक आप नाश्ता वगैरह कर लें, नहा धो लें, बाकी थोड़ा ब्रेक लेंगे तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, और फिर रीसिटिंग करें 9:30 से लेके 12:30, 3 घंटे की सिटिंग कम से कम लें, और इसमें चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करें आप, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह आता है, और 4 से लेके 4 चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 तक। 7 का मतलब क्या हुआ, देखिए इधर से देखते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं, देखिए ये 7 का मतलब हुआ, ये देखिए चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर, ये छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर जो आपके हैं, ये आप ऐसी सेटिंग करें कि ये 3 घंटे में ख़त्म हो जाए। अगर ये 3 घंटे की जगह 3.5 घंटे भी ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 7 चैप्टर आपके 12:30 या 1 बजे तक ख़त्म हो जाने चाहिए, और उसके बाद फिर अगेन आप 12:30 से ब्रेक ले लें 1 घंटे का, और लंच कर लें और ब्रेक दोनों कर लें, 1 घंटे का ब्रेक हो सकता है, और 1 घंटे के ब्रेक में भी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो वो 1.5 घंटे का भी ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा रिलैक्सेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगली पारी खेलनी है। तो 1:30 बजे तक अगर आप इसको निपट लेते हैं तो अगली पारी आप 1:30 बजे से स्टार्ट करें 1:30 PM से, और फिर 3 घंटे का एज ए स्ट्रेच आप पढ़ाई बना लें अपनी, 3 घंटे इसमें जोड़ देंगे तो 4:30 बज जाएगा करीबन इसमें। तो 3 घंटे के ब्रेक में आप चैप्टर नंबर 8 उठाएं और 8 से लेके, ये देखिए मैं फिर दिखाता हूं आपको,
यहाँ पर अगर आप आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, तो 8वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये ऑप्टिक्स जिसके अंदर रे और वेव दोनों आ रही हैं, ये सब मिला के 17 नंबर का पार्टीशन, 17 नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आप चैप्टर 10 तक इसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर 8 से शुरू कीजिए, 8, 9, 10। ये ऑप्टिक्स वाले चैप्टर थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं भी, और कई बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं रहते हैं, तो दिमाग को बहुत फंसाना नहीं है। अगर कोई चीज़ अंतिम दौर में समझ में कम आ पा रही है तो बेहतर है या तो उसको याद कर लिया जाए या उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप दिमाग फंसाएंगे तो जो आती हुई चीज़ है उसको वो भी दांव पे लग जाएगी। और ज़्यादा कुछ नया पढ़ने का बिल्कुल ट्राई ना करें, मेरे हिसाब से नया पढ़े ही ना, जो आपने साल भर पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। अब जिन बच्चों ने साल भर कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए अभी मैं बताता हूँ क्या करना है, वो नया नहीं पढ़ेंगे तो फेल ही हो जाएंगे, तो उनको तो कुछ ना कुछ पढ़ना ही होगा, तो उनकी मैं बात बाद में करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि साल भर जिन्होंने कुछ हद तक पढ़ाई की है, रिविजन मोड में जो है। अब उसके बाद 4:30 के बाद आप फ्रिक ब्रेक ले लें अपना, 4:30 से लेकर 5:30, 1 घंटे का ब्रेक ले लें, चाय वगैरह, कॉफी वगैरह या जूस वगैरह जो कुछ लेते हैं लीजिए थोड़ा सा, और कुछ नया न्यूट्रिएंट्स या कुछ नया खान पान ना बनाइए कि बाहर से गए और क्या बोलते हैं उसको, चाय चाट खा के चले आए, पेट खराब हो गया और लुढ़क गए अगले दिन। तो इससे थोड़ा बचिएगा आप, है ना, समोसा वगैरह भी कम खाइए या ना खाइए। अब 4:30 से 5:30 में आप ब्रेक ले लीजिए वापस, और उसके बाद सीटिंग शुरू होती है 5:30 बजे तक। अब ये लास्ट सीटिंग है जिसको मैं 3 घंटे फिर से अलॉट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, और उसमें चैप्टर नंबर 11 से शुरू कीजिए आप और चैप्टर नंबर 15 तक चले जाइए। देखिए इस 11 से लेकर 15 तक जो ज़्यादा समय आपका लगेगा वो सेमी कंडक्टर्स में लगने वाला है, ये देखिए आप। बाकी जो चैप्टर 11 है ना, 11 ड्यूअल नेचर एटम्स न्यूक्लियाई, ये सारे छोटे चैप्टर्स हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं आपको। देखिए तीनों मिला के आपको 10 नंबर देखे जाएगा, और इधर की बात हम करें सेमीकंडक्टर वगैरह की या कम्युनिकेशन सिस्टम की तो 12 मार्क्स देखे जाएगा। ये पांचों चैप्टर आप कोशिश कीजिए इसको खत्म कर लीजिए 8:30 बजे तक। ये देखिए 8:30 तक खत्म हो जाएगा, अगर 8:30 तक नहीं होता है तो सपोज करिए 9:00 तक खत्म हो जाएगा, तो 9 PM तक अगर खत्म हो जाता है जैसे उम्मीद हम करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस एक दिन में रिवाइज हो गया। और किसी भी हालत में 10 बजे के बाद आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगले दिन एग्जामिनेशन मिलेगा, ये 4 मार्च की बात मैं कर रहा हूँ। 10 बजे आप सो जाइए और मॉर्निंग में ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 8 घंटे की नींद लेंगे और 6 बजे उठ जाएंगे। पेपर 9 से 10 बजे के बीच में आपको सेंटर पहुंचना होता है, 6 बजे उठिए और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। जब घर से निकलना हो उसके 1.5-2 घंटे पहले पढ़ना बंद कर दीजिए। कोई भी पर्ची खर्रा नोट्स आप एग्जामिनेशन सेंटर लेके मत जाइए, किताब भी लेके मत जाइए। वहां पर जैसे ही सेंटर पे पहुंचेंगे आपके बड़े जुझारू दोस्त दिन रात एक कर रहे होंगे, क्योंकि साल भर तो कुछ किए नहीं होंगे, और आपको डरा रहे होंगे कि ये चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ आ जाएगी, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहना ज़रूरी है, जो आपने पढ़ाई की है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए अगला सवाल उठता है कि ये तो मैंने एक राय दे दी अपनी कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, कुछ बच्चों के ये बड़े कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर नॉर्मली न्यूमेरिकल्स कितने नंबर के आते हैं हमारे 12th बोर्ड फिजिक्स के पेपर में। तो देखिए बोर्ड की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन इशू नहीं है कि फिजिक्स में 12वें क्लास में न्यूमेरिकल कितने आएंगे, लेकिन अंदाजे के तौर पर जो आता रहा है वो 16 मार्क्स के आसपास के न्यूमेरिकल्स आते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है 70 मार्क्स का, 16 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको नॉर्मली मिलते हैं, 16 के 17 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं, नॉर्मल ऐसा रहता है। लेकिन ये कहीं से ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ये तो बात हो गई साहब न्यूमेरिकल्स की, अब अगली बात ये आती है कि सर डेरिवेशन कितने नंबर के आते हैं, ये बहुत लोग आप लोग पूछते हैं। तो डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो 25 से 30 नंबर को आपको डेरिवेशन मिलने वाले हैं जो ट्रेंड रहा है, ये भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है सीबीएसई की तरफ से। तो ये सारी बातें एक्सपीरियंस या ट्रेंड के बेसिस पे कही जा रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम 30 नंबर का मान लें और 16 नंबर के न्यूमेरिकल दोनों को ऐड करेंगे तो 46 मार्क्स के हो जाएंगे,
तो 70 नंबर में 70 मार्क्स में 46 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन दोनों आ जाते हैं। बाकी आप जानते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह वगैरह कुछ रिमेंबरेंस के या रिमेंबरिंग के आधार पे भी क्वेश्चंस होते हैं, डेफिनेशंस वगैरह। इस तरीके से पेपर थोड़ा नॉर्मली बनता रहा है। एक बात मैं आपको और हिदायत के तौर पर दूंगा, हिदायत का मतलब है सुझाव दूंगा, सजेस्ट करूंगा कि पेपर स्टार्ट जब करें और कुछ क्वेश्चन अगर शुरू में सर के ऊपर से निकल जाए तो अपना हौसला बना के रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि पहले क्वेश्चन दो क्वेश्चन ना आए और अंत के सारे आ रहे हों, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि एक नंबर दो नंबर के क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो गया तो मैं गया या मैं गई, कहीं नहीं गए, सब बढ़िया होगा, बस लगे रहिए आप, ठीक है। तो इसको चालू रखिए। अब दूसरी बात मैं और करना चाहता हूँ, कुछ बच्चों का बड़ा डाउट था कि ऑफिशियली CBSE वाले जो बोलते हैं वो आपको रॉयल ब्लू कलर का पेन यूज करना होता है। मैं रेड से लिख रहा हूँ लेकिन ये रॉयल ब्लू या ब्लू है। अब कई बच्चे यही कंफ्यूज कर जाएंगे, सर ब्लू और रॉयल ब्लू में डिफरेंस क्या है? तो आपके हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा मान के चले, दिमाग ना फंसाएं अपना। आप पेन यूज कर सकते हैं कोई भी, जेल पेन, डॉट पेन वगैरह वगैरह। कई बच्चे पूछते हैं कि मैं फला ट्राइमैक्स यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कलर ब्लू होना चाहिए। ब्लैक के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं रहती, इसलिए मेरे हिसाब से ब्लैक यूज ना करें, पेंसिल यूज करें। कहीं डायग्राम बनाना है पेंसिल यूज कीजिए, की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है पेंसिल का इस्तेमाल करें। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं जो आपको दे रहा हूँ ये ऑथेंटिक है, CBSE वालों की ऑफिशियली वेबसाइट पे इशूड है, और मैंने आज सुबह भी कम्युनिटी पोस्ट में ये इंस्ट्रक्शंस पोस्ट किए थे जो अनाउंसमेंट CBSE की तरफ से आई थी। तो ये थोड़ा और आपको जानकारी हो गई कि 9 से 10 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाइएगा, जो कि पहुंच ही रहे होंगे, और बाकी अपनी प्लानिंग कीजिएगा। अब दूसरी बात मैं जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, 10-11 मिनट बीत चुके हैं, 2-3 मिनट में बताता हूं कि आप वहां पे एग्जामिनेशन में कॉपी कैसे लिखेंगे, आंसर्स कैसे करेंगे। तो सबसे बेहतर तरीका होता है कि टीचर से भी बेहतर तरीका ये होगा कि जो टॉपर बच्चा है उसकी कॉपी से हम लोग लर्निंग लें कि उसको 100 में 100 कैसे मिले होंगे। तो 2018 अभी जल्दी ही CBSE की वेबसाइट पे 2018 की टॉपर के बच्चे की कॉपी अपलोड की गई है, उससे पहले नहीं की गई थी। तो वो कॉपी मैंने डाउनलोड कर ली है, उसी से मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप भी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वही कॉपी आपको मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं उसकी कॉपी में क्या स्पेशल चीज़ें थी, क्या बातें हमें ध्यान रखनी है जो हमें बेहतर नंबर दिला के जाएंगी। अब ये आपको देखिए सामने जो दिख रहा है ये एक बच्चे की कॉपी है और जिसमें ये सारे इसने क्वेश्चंस किए हैं। तो देखिए पहला पन्ना ये 2018 ऊपर थोड़ा थोड़ा सा परफोरेशन में दिख रहा होगा, परफोरेशन का मतलब जो छेद किए जाते हैं ना CBSE 2018 बिल विल बुक पे, रसीद बुक पे किनारे छेद होते हैं, उसको इंग्लिश में परफोरेशन बोलते हैं। तो ये सेक्शन एक इसने सवाल कर रखे हैं, देखिए एक नंबर के सवाल, इसमें देखिए इसमें क्या यूज किया है। तो क्लियर कट एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर क्लियर कट मेंशन करते जाइएगा। इस बच्चे ने आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4 बराबर मेंशन किए हैं, और देखिए इसमें इसने गैप दिया है, ये देखिए 2 लाइन का गैप है, कचर पचर नहीं है, कचर पचर समझते ना, ऐसा नहीं है कि बहुत जगह कम पड़ रही है, फेविकोल से चिपका दिए सारे आंसर, ऐसा ना करिएगा। तो ये बीच में गैप है, देखिए 2-2, 3-3 लाइन का गैप है, जिससे एग्जामिनर को चेक करने में कोई असुविधा ना हो। दूसरी बात, एक नंबर के सवाल में 1-1.5 लाइन ही लिखी है इसने, देखिए आपके सामने, ये मेरी कॉपी नहीं है, टॉपर बच्चे की कॉपी है, जो आप समझ पा रहे होंगे। मैं थोड़ा इसको और देता हूं, शायद किनारे थोड़ी कट रही हो, ये देखिए अब ज्यादा बेहतर सिचुएशन आपको नजर आएगी। तो ये मैं आंसर 1, आंसर 2 जो मैं बता रहा था, आंसर 3, आंसर 4 सारे आपको आंसर्स दिख रहे हैं अलग अलग, तो आंसर्स अलग मेंशन कीजिए, और ये देखिए बीच में जो गैप है गैप दीजिए। और जो मैं बताना चाह रहा था कि वर्ड लिमिट का ख्याल रखिए, वर्ड लिमिट क्या होता है, जितने कम शब्दों में आंसर देना है आपको, रायता नहीं बोलना वहां कि आप लिखे पढ़े हिस्ट्री लिख रहे हैं, हिस्ट्री नहीं लिखनी है वहां पे, जितने जितने कम शब्दों में टू द पॉइंट आंसर करेंगे आपको नंबर एक नंबर में एक ही नंबर मिलेगा। तो इन बातों का आप ख्याल रख सकते हैं। और देखिए कुछ बातें मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल हो सकती है। अब देखिए इस बच्चे के मैंने 34 पेज नंबर निकाल लिया है आपको शो करने के लिए,
ये देखिए, जिसने भी इसने भी जो डेरिवेशन से फॉर्मूले डराइव किए हैं ना, या आंसर्स न्यूमेरिकल के निकाले हैं, अधिकतर में से उसने अलग से मेंशन किया। ये देखिए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं बोलना चाहिए, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल में हाईलाइट कर दिया है क्या जो फॉर्मूले डेरिवेशन के तहत निकाले हैं, या जो आंसर मान लीजिए किसी का निकाला है तो आंसर 13.24 मीटर पर सेकंड ऐसे करके लिख दिया है। उससे क्लियर कट जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में बड़ी आसानी होती है। तो इस पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अगली बात जो आपको दिखाता हूं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप कर रहे हैं और गलत हो जाए, काटना पड़े, तो उसको काटने की कैसे काटे हैं आप, तो इसको मैं अभी चलता हूं उसकी पेज नंबर 29 पर, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये अब इस बच्चे का आप ये देख पा रहे होंगे कि इसने जो सवाल यहाँ पे लिखते थे कुछ उसको लगा कि गलत हो गया, तो जो कट किया है वो एक सिंगल लाइन से कट किया है, उसको ऐसे मतलब गोंच नहीं दिया है ऐसे ऐसे कि बहुत भयानक कि एग्जामिनर पढ़ ना पाए। आप सिंगल लाइन से सिंपली कट करके आगे लिख सकते हैं। कोशिश करिए ज्यादा काटा पीटी ना हो, अगर हो तो सिंपली एक लाइन से आप इसको कट कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये आंसर शीट एक टॉपर बच्चे की जिसको 100 में 100 मिला है, तो ये मन मुताबिक आपको गाइडेंस नहीं दी जा रही है, ये ऑथेंटिक चीजें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। अब अगली बात हम ध्यान देखते हैं, वर्ड लिमिट वाली मैंने बात आपसे कर दी। अब डायग्राम भी जो उसने बनाए हैं वो सारे पेंसिल से बनाए गए हैं, जैसे मैं दिखाता हूं कुछ आपको। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा था ये जैसे डायग्राम देखिए बना हुआ ना, तो ये पूरा डायग्राम पेंसिल से बनाया गया। कई बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं रहती कि वो पेंसिल की जगह पेंसिल खींच देते हैं डायग्राम, ऐसा मत करिएगा, वो एग्जामिनर को भी पसंद नहीं आएगा, और कहीं आपसे गलती हो गई तो पेन को रबर से मिटाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, पेंसिल आराम से आप रब कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखिए। और कुछ एक दो बातें मैं बता देता हूँ इसी शीट में, इस आंसर शीट में मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, इस पेज की मैं बात करता हूँ, तो आप जो शीट लेंगे ना, मान लीजिए न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन करना है, तो राइट हैंड साइड पर देखिए इसने क्या किया है, एक लाइन खींच रखी है, ये बिल्कुल एक लाइन खींच रखी है, और यहाँ पर देखिए रफ वर्क कर दिया, रफ वर्क को भी थोड़ा तमीज से किया है, बहुत गंदा नहीं किया है। तो रफ वर्क आप यहीं कर लीजिए, कई लोग टीचर सजेस्ट करते हैं कि रफ वर्क आप कॉपी के पीछे कीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि बार बार पन्ने पलटने में आपको एग्जामिनेशन में जबरदस्ती का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, वो टेंशन देगा। आप बाजू में ही रफ वर्क कर लें जैसा इसने किया है, और आप आराम से करिए, जो आंसर आ रहा हो सामने मेंशन कर दीजिए। तो देखिए, कई बातें मैंने इसमें आपको बताने की कोशिश की, वो भी एग्जाम टॉपर बच्चे की आंसर शीट से, 2018 का ये टॉपर बच्चा है, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा, 2018 में जिसने टॉप किया है। तो क्या बातें हमें समझ में आती है, एक तो हमें वर्ड लिमिट का ख्याल रखना है, वर्ड लिमिट बना के रखनी है, फालतू नहीं लिखना है। दूसरा, क्लीनलेस या नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कॉपी हमारी, जबरदस्ती कॉपी को गंदा नहीं करना है, और जो क्वेश्चंस आप मेंशन कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 क्लियर कट मेंशन होने चाहिए। उसके बाद जो आंसर्स आप मेंशन कर रहे हैं उसको आप, अगर बेहतर ये होगा कि अलग से हाईलाइट कर दें, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में उसके चारों तरफ ब्रैकेट सब बना दें सो कॉल्ड, जिससे वो हाईलाइट हो जाए। जो डायग्राम आपको बनाने हैं वो पेंसिल से बनाने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है। और जो कलर पेन का यूज करना है वो ब्लू कलर यूज करना है। तो कुछ बातें हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकती है, कहीं पे कहीं गलती हो जाए तो सिंपली एक लाइन से कट कर देना है, ये नहीं कि उसको पूरा घिसे हुए हैं कि कोई देख ना पाए, ये सब मत करिएगा। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी ब्रीफिंग या थोड़ी सी बातें कि एक दिन में आप कैसे फिजिक्स रिवाइज करें और कैसे आप उन आंसर्स को लिखें, ये आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पढ़ाई आपने की है उसके पूरे पूरे मार्क्स आपको ज़रूर मिल पाएंगे। मैं फिर कहूँगा कि जब फाइनल एग्ज़ाम होता है या वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, तो क्या टेक्निकल नो हाउ है, टेक्निकल नो हाउ का मतलब होता है आपने पढ़ के जो सीखा है वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फील्ड में किया गया प्रदर्शन, यानी कि आप 3 घंटे में अपनी नर्व्स को कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि कौन से क्वेश्चंस आएंगे ये किसी को पता नहीं, कली या परसों जब आपका पेपर होगा तभी ये खुलेगा, तो उस समय घबराहट को कंट्रोल करना है, आत्मविश्वास बना के रखना है। जब भी पेपर खत्म हो जाए फिजिक्स का,
डेढ़ बजे छूट रहे हैं आप, तो किसी से पेपर का डिस्कशन मत करिएगा, सीधे घर आइए, जो होना था वो कर चुके हैं, अच्छा या बुरा। अगर आप ज़्यादा डिस्कशन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस शेक करेगा और अगले पेपर पे इसका असर जाएगा। कोई कुछ भी करे, हम अच्छी बातें धीरे सीखते हैं और बुरी बातें सुपरसोनिक स्पीड में सीखते हैं, तो ये थोड़ा संभालना पड़ेगा अपने दिमाग को। और इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए और ईश्वर ने चाहा तो आप शानदार नंबर जरूर लेके आएंगे, बाकी आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। अब जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं की है, जैसे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आशीर्वाद दे दीजिए मैं पास हो जाऊं, अगर मेरे आशीर्वाद से ही आप पास होते तो मैंने तो रोज ही आशीर्वाद दिया आपको, सभी टॉप कर जाते। तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई की जो वैधता है या इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह है। फिर भी भाषण ना देते हुए मैं मुद्दे की बात करूंगा कि अंतिम एक डेढ़ दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो आप यही कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको घोंट लीजिए, समझने का समय रहा नहीं तो रट लीजिए, जो मुझे कहना नहीं चाहिए आपसे। अब सवाल ये उठेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चंस हैं आपको कहाँ से मिलेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके लिए बना रखे हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ाई नहीं की है वो तुरंत इसका इस्तेमाल करें और एकदम हनुमान चालीसा की तरह इसको घोंट डालें, वही कुछ हो सकता है, वरना उसके अलावा कोई भी चाल। अगर मैं बोलूं कि पर्ची खर्रा बनाने का अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत ही गलत स्टेप उठा रहे हैं, इसका खामियाजा बहुत बुरा हो सकता है। तो आप कोशिश यही कीजिए कि अंतिम जो सवाल आप जितने याद कर पाएं करके जाइए, और क्वेश्चन जो भी पूछा जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन आंसर यही लिख के आइए आप, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो क्वेश्चन से मतलब ही ना रखिए साहब। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपका पढ़ा हुआ तो बल्ले बल्ले, और नहीं मिला तो जो याद वही लिख दीजिए, ऐसा करिए। और मैं अंत में एक बार और बोलना चाहूँगा कि पढ़े हुए जो साल भर पढ़े बच्चे हैं या साल भर जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं भी की है, क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आना है आपको। क्वेश्चन आता हो तो बहुत बढ़िया, और नहीं आता हो तो भी कोई बात नहीं, लिखना तो है ही, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस ही गलत हो जाते हैं। मैं हर हमेशा बोल चुका हूं आपसे, अगर किसी ने क्वेश्चन छोड़ा तो समझ लीजिए वो एक पढ़ाई में ना सबसे बड़ी गड़बड़ है, सबसे बड़ी गड़बड़ है, इससे बड़ी गड़बड़ नहीं हो सकती है। तो आप क्वेश्चन जरूर करके आइए, कुछ फॉर्मूला आता हो, कोई टॉपिक आता हो आसपास का, कुछ ना कुछ लिख दीजिए और कुछ ना कुछ नंबर आप लेके आएंगे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लीजिए और शुरू हो जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।